वो रिएक्शन देते हैं तो आता है। और कहां 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 निश्चय बेटा 985 में डाउट है, हो गया 1984 और 85 हो गया मेरा। हाँ बोलो बोलो 1985 में डाउट है, 85 डाउट है, 85 डाउट है। हो गया आंसर, हो गया। कैसे किया बेटा? ये एक्स को साइन टी मान के, साइन टी मान के डन, स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा ना। कुछ और अल्टरनेट में को ट्राई करने दो ना, पता नहीं। एक्स थीटा, थीटा मान के सेक्स है तुमको बस ना, मेरे मेरे बाकी तो मैं मुझे एक्स को ए सेक थीटा मान लेना। अरे ये 95 वाला, हां उसमें ए सेक टी लिया था, मुझे सोचने दो कुछ इंटरेस्टिंग कुछ किया जाए तो। क्या क्या सकते हैं बेटा बोलो। मैंने शायद तक देखो मैंने क्या किया कि वो सॉल्यूशन सबको पता है ना, ये वाला मैं अप्रोच नहीं बताऊंगा, मुझे कुछ और अप्रोच बताने की इच्छा हो रखी है। मैं मेरे को चलो ऐसा सोचो एक बार, ये एक्स की बार 5/2 है ना, एक बार जब सोचो अभी भी वही लिखा हुआ है, 5/2 है ना एक्स की पावर, तो सोचो एक बार। फाइव बाय टू, और पंकज सर को क्या करना चाहिए यहाँ से, और इसका इंटीग्रेशन रुको एक बार मैं कुछ सोच रहा हूँ, अच्छा सोच रहा हूँ। तो मैंने क्या किया, मैंने एक एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, समझ में आ रहा है? अभी भी वही सेम सवाल है, ध्यान देखो तो कोई चेंजेस तो नहीं आए ना अभी तक? नहीं सर। अब मैंने क्या किया, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर टी स्क्वायर मान लिया, तो 2x dx इज इक्वल टू 2t dt। हां तो x dx इसके जगह क्या लिख दिया सर ने, tt dt। और सर को यहां पे कितना मिला, t की पावर कितना मिला, 6 मिला। अरे मेरे से कोई गलती हो रही है तो बोल देना, एक्स स्क्वायर की वैल्यू सर कितना, टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और ये वैल्यू कितनी टी। यहाँ तक कोई तकलीफ नहीं सर? नहीं, एक्चुअली मैं कुछ आउट ऑफ द बॉक्स सॉल्यूशन देना चाह रहा हूँ जो कहीं नहीं मिले। अब सर ने क्या किया, प्लस तुमको पता है कि सर की आदत क्या होगी, नीचे ऊपर डिग्री बड़ी है ना, तो टी की सर ने क्या किया, टी स्क्वायर टी सिक्स है, अब तो डिवाइड किया सर ने, और तुमको पता कि सर कैसे करते जाएंगे। चलो एक सर का और सेल पकड़ लेते हैं, टी की पावर 6 ए की पावर 6 माइनस ए की पावर 6 कैसे किया, तो उन्होंने बोला सर इससे फायदा क्या होगा, क्यूब में लिख सकते हो इसको, क्या इसको क्या कर सकते हो, देखो ध्यान से, वो एक्स स्क्वायर ब्रेक कर सकते हो ना। कैसे सर ने सोचा? कुछ हटके सॉल्यूशन। उसके बाद 8484 वाले में ऐसा ऐसा आइडिया लेके आऊं दिमाग में सर? हां सर, स्क्रीनशॉट ले लो, मैं ऐसे अभी मतलब कि मैं आगे बढ़ता हूं, नहीं तो ये देखो अच्छे आइडिया नहीं कहीं नहीं मिलेंगे, मैं पहले क्लियर कर देता हूं। कोई पूछे ना पंकज से, पीडीएफ दे दो। मैं पीडीएफ नहीं, मैं स्क्रीनशॉट दे रहा हूं, मेरे को वो मेरे इसमें टेलीग्राम मैंने हटा रखा है। ओके ले लिया? हां सर। तो
यही ये चलो इसमें मेरा अच्छा दिमाग लगने लगा आजकल, मेरा ना प्रो लेवल आ गया इस चैप्टर में, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैं थोड़ा अच्छे सोच पा रहा हूँ। देखो ये सवाल है, तुमने ऑब्जर्व किया होगा तो हाँ सर। अच्छा तो आई थिंक अब तुम्हारे दिमाग की बत्ती जगी, तो तुमने क्या बोला कि सर कि 1 - x² को क्या मान लेना चाहिए, टी स्क्वायर मान लेना चाहिए। हाँ सर, वही वही जो सेम हरकत की है ना। और भी और इंटरेस्टिंग कर सकते हैं क्या? कोई गलती तो नहीं ना अभी मेरी? नहीं सर, मैं कुछ अच्छा सोचना चाह रहा हूँ। इधर से x²-1 आएगा, इधर से x² और कट गया, देखो हाँ क्या बचेगा, x² नीचे √1 - x² अरे नहीं, मुझे खुद को नहीं मजा आया सॉल्यूशन में। कुछ आउट ऑफ द बॉक्स सोचो यार। विदाउट सब्स्टिट्यूशन आंसर का एक बार आंसर दिखा, आंसर किसी ने भेजा था मेरे को, मुझे आंसर तक लिख हो जाएगा। अच्छा x³/√1 - x² डिनोमिनेटर में। अच्छा समझ गया, क्यूब का क्यूब ना x² का माइनस एक्स अपॉन में √1 - x² प्लस साइन इनवर्स एक्स भी आएगा। तो मुझे पावर कम करनी पड़ेगी। उसी आईडी को पकड़ते हैं, ड्रॉप लेते हैं किस आईडी को, 1 - x² को t मान लेंगे तो हो जाएगा, t स्क्वायर मान लेते हैं। हाँ वही आईडिया को पकड़ते हैं, 1 जो पिछले बार के मैंने बोला कुछ -2x dx कितना हो जाएगा, 2t dt। ये तो किस में एडजस्ट हो गया, -t dt। अरे लेकिन तुम्हारे भाई आगे क्या पढ़ा हुआ है? हाँ एक x बचेगा, गंदा हो जाएगा ना। कुछ अच्छा सोचने दो मुझे, मैं मेरे को पता है कि सॉल्यूशन तो आ जाएगा, किससे सोच के। x²-3 क्या कर सकते हैं इसमें, x² को अलग कर दिया, एक x²-1+1 और इधर कर दिए तुम्हारे भाई ने √1 - और इधर ये कर दिए, रुको 1 - x² अलग कर दिया और बचा कितना, निश्चित ना आंसर 984 है ना। अरे यार कुछ अच्छा सोचो मेरे को भी यार, अभी मैंने अपनी तारीफ की अच्छा सोच नहीं पा रहा, मुझे लगा कि मैंने कुछ अच्छा क्लिक करूंगा, आउट ऑफ द बॉक्स सोचना है मुझे। x⁴ है ना, उसको अपने ब्रेक कैसे किया था, इसको यार
इसको एक बार होल्ड में रखता हूँ, नहीं तो टाइम वेस्ट हो जाएगा। कुछ अच्छा सोचूंगा मैं, लेकिन मैं कल इसका अल्टरनेट सॉल्यूशन बताऊंगा सर। हाँ इसका साइन थीटा से तो हो जाएगा ना कि नहीं? वो तो हो ही जाएगा, वो तो सॉल्यूशन 100% है, उसमें कोई इशू नहीं है। मैं तो कुछ ऐसा सोच रहा था कि विदाउट क्या कर मानने की इच्छा हो जाए, मतलब अगर बिना सब्सक्रिप्शन। हाँ और वो जो आंसर लिख रहा है उसे बिना सब्सक्रिप्शन को हो तो जाएगा, क्योंकि वैसा कोई बहुत गंदा एक्सप्रेशन नहीं आ रहा। वो अच्छा सोचने के लिए 1 - x² को अपने इसको कुछ मान लेते हैं। चलो एक बार इसको, एक बार इसको रखो अल्टरनेट सॉल्यूशन के एक्स क्या रखने का? साइन थीटा। हाँ उसके अलावा डाउट बोलो। मैं कुछ ये 90 कौन सा 91 91 तुमने ना बस देख के छोड़ दिया। ओवरलाइज करना है ना, माइनस 1 प्लस 1 कर सकते हैं, प्लस 2 माइनस। I think root x plus 1 upon में कितना plus 1 root x plus 1 minus 1 dx है। तो मेरे दिमाग में तो आया कि x plus 1 को t square मान लो, तो मेरे दिमाग में सीधा सीधा आया ना, तो dx is equal to 2t dt हो जाएगा। तो t plus 1 t minus 1 2t dt। I think ये तो अभी ऊपर, ये तो सीधा सीधा ऊपर डिग्री बढ़ गई है, देख रहे हो तुम, देख पा रहे हो? तो factors कर लेंगे। डिवाइड करो, फैक्टर करो, अब तुमसे हो जाना चाहिए आगे। हां सर। उसके अलावा 91 के अलावा 94। हां सर 94। यार तुमने रेशनलाइजेशन करने में बिलीव रखते हो, तुम मेरी बातों में मानोगे तो। हां ऊपर नीचे क्या तुमने रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x है ना? हां तो ऊपर नीचे रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x से मल्टीप्लाई कर दिए तो ऊपर कितना हो जाएगा? देखो ये ऐसा हो गया है ना, यहाँ तक क्लियर है? हाँ। और एक्सेस कट गया। आई थिंक इस ये लाइन बाय क्वार्टिक में तुम अच्छा, लाइन बाय क्वार्टिक का सवाल बनाओ पूरा कंप्लीट। न्यूमरेटर को क्या लिखोगे? अच्छा हाँ। के डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर प्लस के टू। समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? हाँ, मल्टीप्लाई करके। हाँ 2x plus 2 है ना, तो 2 बहुत इजीली अपने पास हो जाएगा। हाँ, 2x plus 4 हो जाएगा। हाँ। और इधर क्या हो जाएगा? x plus 1 का होल स्क्वायर माइनस 1। सही है, हो गया ना? यस सर। यस सर हो गया। 94 के बाद बेटा बोलो। 2001 1995 हो गया। हाँ कैसे किया? नहीं इसका अच्छा सॉल्यूशन बताता हूँ। x स्क्वायर बाहर निकाल के। हाँ सॉल्यूशन नहीं था। इसका अच्छा सॉल्यूशन बता सकता हूँ। आपने तुमने क्या किया, x की पावर 7 है ना, और 1 माइनस x स्क्वायर की पावर 5 है, इस x स्क्वायर बाहर निकाले तो बाहर कितने x की पावर 10 आएगा। उसके बाद कौन सा 2001 ये दिखने में तो गंदा लग रहा है लेकिन होना नहीं चाहिए। एक्स की पावर नीचे कितनी 5/2 है और नीचे कितनी है रूट 1 माइनस चलो इसको मेरे को दो तरीके समझा करें। पहला तरीका डिस्कस करते हैं। आई थिंक तुम तो बोलोगे सर x की पावर 3/2 को t मान लो, आप सोचो ऐसा दिमाग में आ रहा है? मन ऐसा दिमाग में क्यों आ रहा है सोचो?
जो 5/2 बन जाए फिर dt करेंगे तो 5/2 बन रहा है क्या? नहीं 1/2 बनेगा। नहीं 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 1/2 बनेगा तो फिर काम खराब हो गया। तो -3/2 नहीं, एक्स बार 3/2 की टीम मारने से फायदा होने वाला हो सकता था। कुछ गलती की क्या है वंकर रंगला? अभी तक तो सही है। डी सिर्फ लूट डीटी तो नीचे कितना बचेगा अपने पास? अच्छा हो गया ना, हो गया हो गया हो गया। एक्स की पावर 3 हाफ से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। ये तो गंदा हो गया सर। हम्म, तो मैक्स की पावर -3/2 को करते तो वो पूरा डीटी बन जाता डिनोमिनेटर के साथ। माइनस किसको? तो क्वेश्चन वो डिनोमिनेटर में काम का नहीं है। डिनोमिनेटर 5/2 है ना? आई थिंक मुझे सोचने दो। अच्छा कुछ एक्स क्यूब, लेकिन एक्स क्यूब भी लफड़ेबाजी कर गया। कुछ 5/2 है ना? एक्स की पावर 3/2 को डेरिवेटिव में 5/2 है ना, 1 n-1 करेंगे ना। 5/2 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? -5/2 बनाने के लिए -3/2 इंटीग्रेशन कितना होता है? -3/2 और अपॉन 3/2 मतलब -3/2। ये कुछ और अगर -3/2 लेंगे तो फिर ऊपर बन जाएगा डीटी न्यूमरेटर में। ठीक है ऐसा ही ना? नहीं, नहीं। तो -3/2 -2/3 तो dx, तो ये कितना बन गया डीटी में? डीटी। अरे अभी x को सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। अरे ये 1 - 1/t² t की पावर -2/3 x की। अच्छा रुको रुको रुको, ये गलत तो इसलिए हो रहा था ना, ये गलत लिख दिया ना। t की पावर कितना हो जाएगा इसमें? -2/3 उसका क्यूब भी, उसका क्यूब वो तूने x बोला। हां तो 1/t² ही आएगा। हाँ 1/t² यार। अब तो और भी गंदा जाएगा क्या? इससे अच्छा कोई अल्टरनेट सॉल्यूशन देखूं? ड्रॉप कर देता हूँ। मैंने क्वेश्चन क्या था, एक्स की पावर कितने 3/2 थी ना? 2001 था ना, 2001 तो ये था 1 - x³ की पावर हाफ। और एक्स की पावर कितनी थी अपने पास? 5/2 बेटा। इधर से ऐसा कुछ निकालते हैं, एक्स क्यूब बार निकालने की कोशिश करो ब्रैकेट से, तो निकल के कितना आएगा? एक्स की पावर 3/2 बार निकल गएगा। हाँ सर, पर 5/2 पड़ा हुआ पहले, तो ऊपर कितना बन जाएगा, नीचे कितना बन जाएगा? 1/x बचेगा सर। और 1 - x³ - 1 की पावर 1/2। ठीक है, और तुम तो थोड़े अब आजकल इतनी मैनिपुलेशन तुम्हारी अच्छी होने लग गई है, इसका डेरिवेटिव करो तो कितना चाहिए? एक्स की पावर 4 चाहिए। ये लो, ये वही लिखा है। अब सर ने क्या किया, 1 - x³ - 1 को टी स्क्वायर मान लिया। तो कोई देखो अभी सर मैं कॉन्स्टेंट लिख देता हूँ, कुछ कॉन्स्टेंट आएगा तो
ये कितना आ जाएगा, ये ये और डी टी, ये तो डी टी में जैसा हो जाएगा कि टी एक्स क्यूब बचेगा सिर्फ ऊपर, कुछ ऐसा बचेगा टी स्क्वायर बचेगा नीचे के, और ये भी कुछ बचेगा ना, करूं पूरा एग्जीक्यूट करता रुको, इसका डेरिवेटिव करो कितना आएगा माइनस थ्री बाई एक्स की बार फोर टू टी डी टी, तो ये लो डी एक्स बाई एक्स की पावर फोर को तुम क्या ले सकते हो माइनस टू बाई थ्री डी डी टी, इसको तुमने टी स्क्वायर माना और एक्स क्यूब को जगह तुमने क्या लिखा वन अपॉन टी स्क्वायर माइनस वन लिख सकते हैं, वन अपॉन टी स्क्वायर प्लस वन, टी स्क्वायर प्लस वन सॉरी, हाँ तो हो, अब तो हो जाएगा ना, हाँ हाँ सर प्लस वन माइनस वन, प्लस वन माइनस वन ना, ओके इतना अच्छा आंसर आता दूसरे से भी अच्छा होना चाहिए था, और कुछ और कोई, ये 2003 भी था पर अब ट्राई कर सकते हैं उसको वापस, 2003 ना, 3 by 2 root x minus 1 upon 2, चलो देखते हैं क्या कर सकते हैं, अच्छा क्वेश्चन है लेकिन कुल मिला के है ना, हाँ सर अभी मेरे दिमाग में तो कौन सा क्वेश्चन चल रहा है लेकिन वो 84 मैं सोच रहा हूँ कि कुछ ना कुछ तो ऐसे हो जाना चाहिए वो, और मैंने किया भी हुआ है एक्चुअली, इसको कहीं ना कहीं तो यदि 84 है क्या था, x की पावर 4 थी और 1 माइनस x की पावर 3 बाई 2 था, माइनस 1 प्लस 1 करते हैं बाय पार्ट्स लग सकता है क्या, इसका इंटीग्रेशन सबको पता है क्या, इसको टी मानोगे, आई थिंक बाय पार्ट्स जस्ट हो जाएगा, बहुत कर एग्जीक्यूट करेंगे इसको एक बार, हाँ चलो देख कुछ तो नया सीखेंगे, नहीं होगा ज्यादा नहीं होगा, 84 आई थिंक एक्स क्यूब है और एक्स है 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर कितनी है 3/2 और मुझे लगता है कि मुझे इसका डेरिवेटिव जनरेट करने के लिए माइनस टू से मल्टीप्लाई माइनस वन बाई टू से, तो इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, माइनस टू हो जाएगा ना, माइनस माइनस कट जाएगा, अरे सही किया ना मैंने, कोई गलती तो नहीं की, नहीं फर्स्ट को बाहर निकाला सेकेंड का इंटीग्रेशन, माइनस माइनस चलो ठीक है, फिर फर्स्ट का डेरिवेटिव 3x और सेकेंड का इंटीग्रेशन, मुझे लगता है मैं अपने मकसद में कामयाब हो गया हूँ, अंदर से सीट कट फीलिंग आने लगी है मेरे को भी, ये हो गया ना 6 एक्स स्क्वायर बच, ऐसा करो माइनस का 6 निकाल लो, माइनस का एक्स स्क्वायर है प्लस 1 अपॉन में 1 कर दो,
ठीक है सारे रेडी इंटीग्रेशन ये भी हो जाएगा और ये तो हो ही चुका है साइन इनवर्स एक्स उसमें साइन इनवर्स एक्स आ रहा था ओ भाई नींद अच्छी आ जाएगी अब तो मेरे को कभी कभार ऐसे ही होता है बेटा उसके बाद कौन सा 2003 दिखने में तो ये भी गंदा लग रहा है मेरे को तो इसमें एक अप्रोच मैंने की पर वो बहुत लंबी जा रही थी सारी मतलब वो अलग अलग करके पैटर्न इनवर्स और ये ऐसा हो रहा ना हाँ ये मैंने अभी सिर्फ पावर को सिंपलीफाई किया है तो दोस्तों मुझे लगता है लगने तो कौन सा वाला है अरे यार कुछ अच्छा सोचे आई थिंक तुमको इसका इंटीग्रेशन पता है और इसको फर्स्ट फंक्शन मान लो ठीक है इसका इंटीग्रेशन मुझे ओरली बताओगे कितना आएगा ओरली बताना पेन मत चलाना फिर मेरा मूड खराब हो जाएगा x की पावर 3/2 ठीक है पर इसका इंटीग्रेशन बेटा कितना आएगा ओरली कुछ भी पेन मत चलाना 1/x√x की इनटू आई थिंक ये आना चाहिए रूट टू भी कट जाना चाहिए माइनस ये आएगा ना फर्स्ट को बाहर निकाला सेकंड का इंटीग्रेशन कर दिया और सेकंड का इंटीग्रेशन थोड़ा स्टाइल से किया इसे एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन में रूट एक्स तुम्हारा भाई सक्सेसफुल हो गया है ठीक है अब देखो फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड का इंटीग्रेशन भैया जी एन बर्मन अच्छी बुक है आसिम है इजी ना हाँ सर ये अच्छा क्वेश्चन है अब तक अच्छा क्वेश्चन मुझे यही लगा मैंने ऐसा लगता अलग अलग करके अब तुम बोलोगे सर आपको आईडी कैसे क्लिक हुआ देखो जनरली ना इनवर्स और अलजेब्रिक दे रखा हो ना तो पहला थॉट दिमाग में यही आना चाहिए बेटा कि क्या हम बाय पार्ट्स इजीली से लगा सकते हैं क्या उसके बाद कौन है डाउट है बेटा दो हजार पांच दिया था कि 2005 नहीं तो किया था मैंने मुझे अच्छा लग रहा दिखने में पता नहीं क्यों कर लेता है ओके क्या कर लिए देखो अभी मेरे मन में पचेगा नहीं ना तो x को ln मानना चाहिए कुछ देखो अभी अभी वही सवाल लिखा हुआ है हाँ सर देखो पता नहीं पंकज सर ये f dash x by root f इसका तो इंटीग्रेशन सर ने कर दिया है ना हाँ सर अब बचा किसका 1 upon under root कितना e की पावर x minus 1 और सर ने e की पावर x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया फिर 1 2 बाय पार्ट नहीं बाय पार्ट्स नहीं ब्रो e की पावर x माइनस 1 को t स्क्वायर माना तो e की पावर x d स्क्वायर 2t dt आया हां तो 2t dt अपॉन में t स्क्वायर t और e की पावर x ले लिया t स्क्वायर प्लस 1 t स्क्वायर प्लस 2 tan इनवर्स t हो गया और इधर इधर f dash x बाय रूट f x 2 रूट e रूट t है ना ये बेटा इंटीग्रेशन की खूबसूरती दिख रही है तुमको अभी ये जीएन बर्मन में ना कुछ कुछ क्वेश्चन हिट स्टार कर लेना जीएन बर्मन इतनी फर्जी बुक भी नहीं है जितनी लिमिट्स में अपने को लगती थी ना उसके बाद
बोलो और 2009 ये डाउट है 2009 बाय पार्ट से कर वन इनटू कितना है हाँ वन उसका डेरिवेटिव हमें पता है वही सेकंड फंक्शन फर्स्ट को बाहर निकाला इसका डेरिवेटिव क्या होता है इसका इंटीग्रेशन किसका है 1 प्लस कितना 2 से ऊपर से मल्टीप्लाई हो गया ना f डैश एक्सपायर्ड मुझे लगता खत्म हो गया सवाल खत्म हो गया और कोई अब तो 2069 ओ भाई 2069 हाँ बोलो 2069 में क्या डाउट है 2069 भारी भरकम दिख रहा है मेरे को तो लेकिन ये तो हो जाएगा देख करें हाँ सर तुम्हें पता है क्यूब रूट भी दिख रहे हैं सब दिख रहे हैं ना इसे हाँ सर तो ऐसा कुछ क्या माने जैसे सब उड़ जाए क्यूब रूट भी फोर्थ रूट भी 12 तो सब्स्टिट्यूशन किया x की बार t को 12 माना d से इक्वल करेगा 12 t 11 dt तो dt नीचे कितना हो जाएगा बोलते जाओ t की पावर 6 प्लस t की पावर 4 प्लस 2 t क्यूब कॉमन लेके कुछ उड़ा दो हां तो ऊपर राइट हो जाएगा नीचे 3 कम हो जाएगा हां t की पावर 3 प्लस t प्लस 2 t की पावर t प्लस 2 अब तो तुमको डिवाइड डिवाइड कर दो ना इसे जो भी है धीरे धीरे करके पावर कम होती जाएंगी सोच पा रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ अच्छा और भी और इजी करूँ और इजी कर दूँ क्या अब मैं सिर्फ एल्गोरिथम बता रहा हूँ ये न्यूमरेटर है तो इसको जब इसे डिवाइड करोगे तो कुछ 12 तो रहेगा कुछ क्वेश्चंट आएगा प्लस रिमाइंडर आएगा जो और नीचे नीचे देखो टी टी क्यू प्लस टी प्लस टू है ना इसके कोई फैक्टर कर सकते हो क्या आई थिंक इसके फैक्टर तुम जानते हो एक तो अरे फैक्टर रखे देखो ना वन नहीं जीरो तो टी प्लस वन है दूसरा फैक्टर टी स्क्वायर प्लस नहीं टी क्यू होगा माइनस टी और ये प्लस टू चाहिए ना देखो ये ऐसा रिमाइंडर कुछ समथिंग ऐसा बन जाएगा ना और रिमाइंडर में तुम पार्शियल फ्रैक्शन लगा सकते हो इसको कैसे करोगे a अपॉन में t प्लस 1 b t c प्लस अपॉन में कितना t स्क्वायर माइनस t प्लस 2 समझ में आया मैंने क्या बोला यस सर सर उसके अलावा सही में गंदे क्वेश्चन है सर मतलब ऐसे आएंगे क्या नहीं आएंगे लेकिन वो होता ना कि इस बेटा की बहुत बच्चों को ना बहुत टीचर्स को भी क्या लगता है उनका इंटीग्रेशन क्या है स्ट्रॉन्ग है क्योंकि हवा निकालने के लिए से क्वेश्चन बनाए गए हैं मेरे जैसे कोई घमंड तो हो ही जाता ना इसलिए से क्वेश्चन नहीं करेंगे तो पता कैसे चलेगा कि और कोई डाउट होगा गंदे गंदे क्वेश्चन आंसर ही बेटा ट्रिग्नोमेट्रिक वाले में एक बार देखिए क्या बेटा ट्रिग्नोमेट्रिक वाले में एक बार देखिए ये वाला ट्रिग्नोमेट्री तो क्या कहना चाह रहा है मतलब वो 2090 से दो क्वेश्चन किए हां बोझ मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है वो 2092 में मेरा आंसर थोड़ा मैच नहीं कर रहा tan स्क्वायर आ रहा है sin स्क्वायर की जगह 2092 में अपन क्या कर सकते हैं 2092 में तुम मजे लूट सकते हो शायद तक आई थिंक मैं देखूं एक बार हां
तो उन्हें बोला सर ऊपर वाले वन का मिस यूज कर लो। उससे उस साइन स्क्वायर प्लस कितना कोस स्क्वायर छोटा पड़, तो क्या हुआ एक मिनट कॉस साइन बनेगा और एक मिनट मुझे आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा। आई थिंक एस चार प्लस सी चार प्लस टू एस स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन में कितना चल रहा है, तो ये कितना हो जाएगा सोचो, टेन ये तो डन और दूसरा पार्टी क्या बची टू कॉट, कॉट बचा क्या अच्छा, इसका भी इंटीग्रेशन डन, इसका भी अभी बचा किसका कॉट क्यूब एक्स का इंटीग्रेशन बचा वो एक कॉस अलग कर लेंगे और एक को वन माइनस उसमें साइनस को टी मानोगे सर, तो एक कॉस तो डीटी में जाएगा और वन माइनस क्या लिख दोगे साइन स्क्वायर, ये भी हो जाएगा ना। हाँ सर, हाँ सर, तुमने कैसे किया वो जो पहले आप कर रहे थे ना, तो उसमें वन बाय टू कॉस एक टू एक्स और दूसरा भी कुछ बन रहा था, तो उनका आई थिंक ये ज्यादा बेटर है ना। मैं तो डिनोमिनेटर में टेन एक्स बना लिया था, वो भी अच्छा आइडिया था, उससे आंसर मैच नहीं हो रहा, चेक करने दे। कोस की पावर कितनी हो जाएगी, चार हो जाएगी और टेन क्यूब एक्स, तो वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स सिक्स स्क्वायर एक्स इनटू सिक्स वन बाय t क्यूब प्लस कितना वन बाय t t t तो आंसर इस फॉर्म में नहीं क्या, इसमें वो पीछे लेकिन तो tan आएगा ना उसकी जगह साइन दिया हुआ है, t t जब रखेंगे तो सही है ना, कोई गलती तो नहीं की मैंने, नहीं मैंने सेम किया था, तो सिर्फ आंसर में क्या प्रॉब्लम क्या रही है, tan वन बाय टू साइन स्क्वायर है, मेबी टाइपिंग एरर हो सकती है ना बेटा। और फिर ये वाला अच्छा बेटर तरीका कौन से वाले थे जो मैं कर रहा था, ठीक है और आगे हाफ भी साइंस कर दिया, तो हाँ बाकी सब तो मैच हो रहा है, सही है, तो टाइपिंग एरर हो गया, कोई और पब्लिकेशन देख ली। उसके बाद सर वो 2103 है उसमें भी आंसर मैच नहीं हो रहा, आ तो रहा है 2103 उसमें, तो यार मेरे को मुझे लगता है बस मैं को अच्छा मैं अपनी सी फोर प्लस एस फोर कितना होता है वन माइनस One minus half sine square 2x. हाँ सेम ही करता है। और नीचे cos 2x ना? एक sec बन जाएगा, एक sec x 10x बन जाएगा। तो out of the box सोच ले। कुछ अच्छा आंसर मैच करने के लिए। आंसर किस फॉर्म में है? अमन नहीं है? फिर आंसर पूरा एलएन के टर्म्स में और फिर ये लो हो गया, मुझे लग आई थिंक निश्चय की शिकायत मेरे से दूर होगी, 1 बाय कोस को 1 बाय कोस सेक 2x हो जाएगा, उसका इंटीग्रेशन भी रेडी है और कोस स्क्वायर बाय कोस कोस 2x का भी इंटीग्रेशन रेडी है, समझ में आ रहा है? यस सर, यस सर। और कोई क्वेश्चन सर? 2101 में
कोई छोटी अप्रोच बता सकता हूँ, वो भी हो गया, उसका तो आंसर भी मैच हो गया, बड़ी बड़ी हुई है। बड़ा आंसर आ रहा क्या? एक बार हाँ, को तीन स्टेप करने पड़ रहे। 2 1 0 1 बस उसमें तो शायद तक मैं तुमको बस अपना ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं घुसाऊंगा, लेकिन कोर्ट की पावर 8 बन गया। हाँ सर, उसको तुमने लिखा कोर्ट की पावर 6x cos x square x माइनस 1। देखो ध्यान से देखो, ये बना ना कोर्ट की पावर 80 लिखा हुआ। हाँ आई थिंक तुम इसके इसका इंटीग्रेशन तो कर सकते हो मेरे हिसाब से। ठीक, और कोर्ट की पावर 4 फिर वापस लिख दी तुमने cos x square x माइनस 1, ऐसे चलते जाओगे। हाँ सर ऐसे ही किया। अब फिर कोर्ट की पावर 4 को फिर लिखोगे कोर्ट स्क्वायर एक दो स्क्वायर फिर हो जाएगा। मैंने तो सेक्स स्क्वायर से कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर दिया ऊपर नीचे, तो फिर वो भी 3-4 स्टेप का हुआ, तो उससे भी आ गया। मुझे लगता है ये बेटर है फिर तेरी इच्छा। और कोई और एक 113 तो 113 112 ना, अरे यार 112 तो मेरे को दिखने में टेंशन जैसा लग रहा है, लेकिन हो जाएगा। इधर कितने स्पेस में कर रहे हैं? कोस का डेरिवेटिव क्या होता है? साइन होता है ना, तो एक तो ये निश्चय हो जाएगा ना बेटा। देख इधर ये पैरों में कोस मिल जाए तो ये तो, और इसका तो डेरिवेटिव पड़ा हुआ है। हाँ ये तो ट्राई करने के लिए नहीं, वही 112 नहीं दिया था शायद आपने। अच्छा नहीं दिया तो फिर नहीं दिया होता ऐसे करते, और पैरों में लीनियर कोस का लीनियर है। हाँ हाँ वो तो टेन क्या एंगल। हाँ उसके बाद 113 डाउन 113 वेरी गुड गुड क्वेश्चन। आई थिंक तुम साइन कोस में कन्वर्ट करने में बिलीव रखोगे। हाँ साइन कोस में कन्वर्ट किया तो साइन बाय कोस, हाँ कोस साइन स्क्वायर एक्स कोस एक्स माइनस कितना हुआ साइन एक्स है ना। अभी अभी आगे क्या किया जाए, कोई अच्छा दिमाग लगाएगा? साइन स्क्वायर को 1 - cos² लिखेंगे। इस दिमाग से मैं थोड़ा, मुझे मजा नहीं आया, थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स दिमाग लगा दूं। देखो बेटा तुम्हारा ट्रिग्नोमेट्री स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ तो कोई तकलीफ नहीं सर। अभी और भी दिमाग लगाना सिखाता हूँ, थोड़ा गंदा जाएगा लेकिन करना पड़ेगा अपने को बेटा। तुम्हारे भाई ने क्या किया, cos 2x की जगह लिख दिया। अब मुझे cos x माइनस sin x कहीं से कहीं ये इतना तो हो जाएगा शायद, इतना तो हो जाएगा। देखो हाँ सर इसको तुमने सर। देखो इसको तुमने ब्रेक किया थोड़ा शानापंती में ब्रेक किया। देखो इसका भी इंटीग्रल तुम्हारे शानापंती में करता हूँ। हाँ सर पहले 1/2 पड़ा तो 1/4 हो गया। देखो हाँ सर अब अंदर क्या बचा, 1/2 cos 2x, cos 2x का तुम्हें फॉर्मूला पता है ना, cos square x - sin square x इसका। अरे ये बचा ना इतना, इसको तुमने और लिखा cos square x - sin square x, cos x - sin x उड़ गया, और ये cos x बचा हुआ है और cos x प्लस sin x हो गया सारा इंटीग्रेशन। हां सर बाकी कितने बचे हुए हैं क्वेश्चन अभी? 10-15 इसको अगली क्लास में करते हैं ठीक है। हाँ, फिर भी मैं एक अपने सॉल्यूशन से सेटिस्फाइड नहीं, तुम उसको रीथिंक करके आओगे तो पता कौन सा हो गया जिससे मैं, मुझे मजा नहीं आया था। रुको कौन सा, मुझे लगा कि मैंने बहुत बड़ा कर दिया।
नहीं सब सही लग रहा है क्या? एक बार 84 मेरे को अभी भी पता नहीं क्यों बहुत बड़ा लग रहा है, तुम भी देख लेना ठीक है, कुछ और तरीका निकल रहा था। हाँ सर। और कल से अपन स्टार्ट करते हैं क्या? डेफिनेट ठीक है। हाँ सर चलो मिलते हैं बट ना सर कल सुबह रेगुलर शेड्यूल ही रहेगा। रेगुलर रेगुलर रेगुलर। हाँ।